स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो। चेहरे पे खुशी आप सभी देख सकते हो। जब हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो जाए ना, तो अलग ही मुस्कुराहट हो चेहरे के ऊपर, और भाई दिल भी कुछ अलग ही तरीके से खुश हो जाए हमारा। एक्सपेरिमेंट क्या सक्सेसफुल हो गया वो आप सभी ने पता है, तीन दिन हुए जिस चीज के ऊपर हम लग रहे, वो चीज आज चौथे दिन सक्सेसफुली होगी। वो देखो वो पड़े वहां पर, वो भी आप सभी दिखाऊंगे आज अपने वाले स्वराज में। जोंडियर फ्रंट वाला एक्सल कंप्लीट फिट हो जाएगा। आप सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए इसने देखने के लिए, मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो भाई इस चीज की एक्साइटमेंट, अब ट्रैक्टर ना कितना भी उठा उठा पटक लो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। दूसरी, अपने वाले ट्रैक्टर की हाइट भी हमने इंक्रीज करा दी एक उस चीज की खुशी। तो बिना किसी देरी के आप सभी तक फ्रंट वाला एक्सल दिखा दूं, और वो थोड़ी देर में ट्रैक्टर फिट होगा, क्या क्या अड़चन और आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। आज हाजी भाई बोल सब, गुड मॉर्निंग। आज फिर गुड मॉर्निंग टोचन किंग, आप भी बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। टोचन किंग कुछ ज्यादा नहीं चमक रहा भाई आजकल, पूरा भाई स्मार्ट बन करो आजकल लड़का है तो। अरे यो बेचारा चमकते हुए रहा, यो फिर कई दिन होए इसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया हमारा। तो यो पड़े अपना फ्रंट वाला एक्सल, पाइप अपना जो तेल वाली पाइप है इनके बारे में भी बात करेंगे आपसे भी। तय काम स्टार्ट कर दिया सुबह उठते ही। एक तो ये चीज देखनी भी जो यो वाला एक्सल है, और जो मेरा सेंटर पिन या हमारी सेंटर पिन है, या इसमें फिक्स आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। दूसरी बात, इसमें ग्रीस लगाऊंगे हम अंदर तक, क्योंकि हमने इसमें ग्रीस का कोई जुगाड़ छटवाया नहीं। यहाँ पर इतना स्पेस नहीं बचा, यहाँ पे जैक लग जाएगा, कहीं पे भी इसमें मतलब स्पेस है ही नहीं ग्रीस लगाने का, ग्रीस देने का सॉरी। तो उसका तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल एक बार फिट कर ला, पेंट भी बाद में कराऊंगे, एक मॉडिफिकेशन और कराने में छोटी ही वो भी बाद में कराऊंगे, एक बार इसमें फिट करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमने जरूरत पड़ेगी ग्रीस की। इस चीज का थोड़ा सा डर लग रहा भाई, जो इसकी ये वाली लंबाई है ना, या इसकी इतनी ज्यादा थी और हमने अंदाजे तक कटवा रखा। वैसे तो मैं आपके लिए गए थे, लेकिन अंदाजा ही बोल लूंगा मैं, देखते हैं अगर आ गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजे आ जाएंगे, आज ट्रैक्टर फिट हो जाएगा। जो हमारी ये पाइपें हैं, ये पाइपें छोटी पड़ रही, वहां तक जा नहीं रही भाई, आगे तक यहाँ जैक आओ यहाँ पे इसका तो लग नहीं रही, उस जैक में लग नहीं पा रही है जुगाड़, मतलब फिट सा नहीं बैठ रहा इनका, छोटी पड़ जाए उस तरफ नहीं जा पा रही। तो ये वाली पाइपें लेकर आनी, और जो अपना इसके अब के बोल्ट लेकर आने, ये तीन चार छोटी मोटी सी चीजें लेकर आनी। फिलहाल बिना किसी देरी के हम यहाँ तक जान लग रहे एजेंसी में जाना, और एजेंसी में हम भाई स्वराज की में नहीं जा रहे, जोंडियर की एजेंसी में जा रहे, क्योंकि भाई हिस्सा जोंडियर का है तो सामान भी इसका जोंडियर की एजेंसी में ही मिलेगा। जोंडियर का सामान डलने लग रहा स्वराज में, भाई भाई है दोनों भाई भाई है। एक बार हम कुछ जुगाड़ करवा के ले आए, एक बार देखो एक बार आप आ गए। अच्छा चलो भाई दिखाइयो, आ जाओ। जंग जुंग ना लग जा, कड़कहा लगना शुरू हो गया, देखो एक रात के अंदर अंदर इस पर कड़का समय पेंट मार दूं। स्प्रे पेंट तो मैंने इसके ऊपर कर दिया, फटाफट से चलो जल्दी चलते हैं। एक मिनट भाई, स्पीड में मैं छोटी छोटी चीजें भूल जू, या ले लो साथ में ये वाली पाइप, ये दिखा कर लेकर आनी है ना, और नट बोल्ट तो चलो वो अपने आप ही दे देंगे, और तो कुछ हमने कुछ खास चाहिए नहीं। घर तक चल पड़े भाई, मैं कह रहा था ना बारिश आओगी, ये देखो आ गई। हाय हाय, सर्दियों की बारिश में भीगने का मजा अलग ही है। एजेंसी में तो पहुंच गए, स्टोर में जाके बार देख लेते हैं क्या क्या सामान मिलेगा। आई होप सारा सामान हमने मिल जाओ, मजे आ जाएंगे। हाँ चल ग्रीस ले लिया, हो जा चल उठा ले भाई, पाइप का नहीं चला भाई काम, कोई नहीं पाइप को और कहीं तो चलाते हैं काम। अब भाई ऐसी दुकान पर जाने लग रहे जहाँ पर हाइड्रोलिक और पावर स्टेयरिंग के पाइप बनते हैं, वहां पर जाने के बाद फिर देखते हैं बन पाता है नहीं बन पाता हमारा पाइप। पहली दुकान मिल गई, काम चल पड़ा, फिलहाल मुझे थोड़ा टेम्परेचर का काम होगा। पाइप रेडी, बस अभी मशीन में बिछने हैं। ये देखो भाई चल पड़े हम घर की तरफ। ओम बोम, दुराटे से काट रही है गाड़ी। पहुंच गई घर पे, उठा ले भाई सामान सारा सारा, बिना किसी देरी के लग जाते हैं काम पे। ज्यादा ज्यादा एक या डेढ़ घंटा लगा, बाकी बारिश चल रही है, टेस्टिंग तो आज हो नहीं पाओगी, और बाकी भाई हमारा पता भी नहीं बारिश में भी कर सकते हम टेस्टिंग, क्योंकि मुंह को आ रहा है हमारे घर पे। कर देंगे ठीक, कर देंगे भाई, पेंट भी सूख चुका है भाई, सेंटर पिन में ग्रीस लगा के ठोक देते हैं।
ओ बेटे डाल दे डाल दे डाल दे। ओ हो आ गया आ गया आ गया। जीवन मन्नत के बर्थडे मेरे वीरे आ था टाले मेरे वीरे निविच पै जाएगा विच पै जाएगा नहीं ओ इतना विच ना पावे कम विच पा इतना ना था बस 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 लाओ ना है वीर जी तक्का है सिस्टम नहीं बन गया तगड़ा तगड़ा सिस्टम बन गया भाई जी बैरा लगेगा का पीछे पूरे हो रहे बैरा लगेगा नहीं उस्ताद 4 बाय 4 का उस्ताद इतना गुलाब तो लगेगा मजा आएगा इतनी खुशी सारा काम कंप्लीट हो गया सिर्फ एक काम रह गया ओ तेरी बनक है बैठ तो नहीं का बस ये वाली इसमें टाइट करने वो वाली तो हमने कर दी ये वाली जो पाइप थी ना अपनी छोटी थी यहाँ तक की थी ये फिर हमने बड़ी करवाई वीडियो में आप सभी ने देखा था तो फिर इसमें और भी फिट कर देते हैं जो देखो भाई क्या नाश हो गया ये देखो टूट गया बस ये भगवान का शुक्र है जो इसमें मतलब फंसा नहीं निकल गया तो अब जाना पड़ेगा तेल भी खिंड रहा है यहाँ पे थोड़ा सा तेल मंगा ला इसका जो यहाँ पर डल कर और ये वाला नट नया मंगा ला थोड़ा टाइम और लगेगा चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सभी लो जी अपने लड़के योजर था लिया गया ये तेल भी लेगा ये भी लिया है इन्हीं जरूरत तो थी नहीं यार ये पकड़े पर तो फटाफट दे फिट कर देते हैं भाई हाय वाह 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 बस खुशी रुक जा भाई रुक जा मन कितना कम है तो एक मिनट रुक जाओ यार पहला सांस उतार दो फिटिंग कंप्लीट होगी एक बार ये चेक कर लो ये वाले ने टाइट करे भाई ओके भाई ओके बस बोला बा नाम लेगा चुचकार गया हर हर महादेव ला भाई सौराज दिखा भाई अपना चलो भाई तुम सलब उठा लिए बेइज्जती ना कराइए कर दिया जाए भाई स्टार्ट तेरी स्थिति हुई है उस दिन अल्टरनेटर तैयार क्या है इसकी पंखे क्या लगा भाई यो सौराज है अपने साइड तक खड़ी चलो एक बार देखा सौराज ट्रैक्टर बाहर लेके जाने का तो फटाफट बिना किसी देखे बाहर ट्रैक्टर निकाला बारिश भी रुक गई है भगवान वगैरह टेस्टिंग मारो बारिश तुम रोक दो सौराज चल भाई बाहर तुम अब भाई का मजा बिड़ू ट्रैक्टर अपना बाहर आ चुका है भाई पीछे आप देख सकते हो लुक चेकआउट करा दी जाए 1 2 3 लो जी करो चेक क्या बात है जी क्या बात है ट्रैक्टर आगे तो देखो भाई कितना ऊंचा हो रहा मौज होगी भाई मौज थोड़ा ट्रैफिक का इशू है वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आओगी यहाँ तो देखो आप करो चेक भाई गदर चीज बन गई गदर अब यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा मतलब आज नहीं यो कल के लिए कल इस पहाड़ का स्टंट मारे देखेंगे इसी रोड पे यार ट्रैक्टर पूरा भगा के देखा मतलब ट्रैक्टर फटफट ना हो जाए इसका इंजन लेकिन पहिए ऐसे ऐसे नहीं डोलते बिल्कुल ना किसी ने पहिए चला बिल्कुल लाइन और ये देखो जो हमने चाहिए जो चीजें टेढ़े पहिए कैसे लग रहे टेढ़े बिल्कुल ये भी इस तरफ वो भी उस तरफ लग रहा फिटिंग वाला बस इसके ऊपर पेंट और हो जाएगा एक तो मेरा मन मान इसको बस फिट हो पे पेंट मार दूं वो जगह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी देखते हैं खोल कर करते हैं वो तो बाद का समय बताऊंगा मैं तो यार हाय 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 हे भोले बाबा भगवान
मजा आएगा भाई, कभी कहानी कसूती चीज बनेगी भाई, बहुत ही अच्छी चीज तैयार होगी, मतलब ड्रीम पूरा हो गया। मेरा था नहीं ट्रैक्टर भाई रोड वैसे चल पाओगा, मतलब मेरे था भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आओगी, लेकिन काम बनते गए भाई काम। थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे कुछ हमने लगवाना पड़ेगा लोहे की, ताकि जब ट्रैक्टर ऊपर नीचे हो ना तो मतलब उस पलटने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। जब अगले टायर किसी डूंगी जगह में जाऊंगे तब तो बेनिफिट है इस चीज का, जब पिछले टायर डूंगी चीज में जाऊंगा ना तो फिर इस तरह ट्रैक्टर पलट सके, तो हम जो कंपनी जितना देती है ना उतना कर देंगे इसने। ये देखो आप वैसे भी दे रखी कंपनी ना, ये जोंडर के हिसाब से दे रखे इतना है ताकि वो अड़ जाए ऊपर दे। एक बार ऑडियंस का और जवाब ले लेते हैं, ऑडियंस क्या कह रही। हाँ भाई क्या कहना चाहोगे भाई साहब, इसका कुछ नहीं हो सकता, मजा नहीं आएगा एक नंबर का। हाँ भाई साहब ऊपर कोई नहीं है, मतलब यार दिल खुश हो रहा है, सच रही देखा जाऊं पिछले इतने बड़े टायर डल रहे तब भी ट्रैक्टर आगे था ऊंचा लग रहा, जब इसे बम्पर लग जाएगा ना, बम्पर लगाऊंगा इस पर, क्या आज की वीडियो में अनाउंसमेंट कर दूं, इसका बम्पर बनवाऊंगा जितना बम्पर फिर आला भैया हमारा उसका दुगना लंबा। जो अपने ट्रैक्टर पहला बम्पर था वो 17 नंबर के टायर साइज के हिसाब था, फ्रंट वाले जो दूसरे टायर थे उनके टायर के साइज के हिसाब था, लेकिन अब की बार जो बम्पर हुआ ना लंबा दुगना लंबा, कम से कम ये लगा लो जैसे टोचन किंग पे है 100 से आगे 34 इंच है, तो इसका 100 से आगे कर लेते हम 37-38 इंच पूरा बड़ा। ट्रैक्टर फाइनली भाई हमारा घर पर पहुंच गया, कैसे क्या रिस्पॉन्स है सर आपने देखो तो, ये अभी तक देखा नहीं। एक मिनट तू तू कैमरे में, तेरी थोड़ी हाइट ज्यादा तू यहाँ पर, यहाँ आइडिया लगा लो भाई आप लोगो तो रावत तो नीचे तो नहीं यार बराबर तो मेरी, हां बराबर ही है सब राज के लोगो बराबर है। हां करा का भाई 80 ठाले देखिए 80 हार्ड था और दे रहा है बाल लगो दिया देख लो 5 फुट 7 इंच 8 इंच के आसपास मेरी हाइट है, और आप अपने वाले सौराज की हाइट ना आप देखो और फिर देख लियो कितनी इंच की हाइट हो जाके था। अरे तो बताओ टायर इसमें छोटे हैं, अगर आरो और बड़े टायर इसमें डालेंगे तो क्या होगा इसका, ज्यादा ऊंचा उठ गई सेंटर पे। एक बार टोचन किंग ना और देखा जाएगा वो कितना ऊंचा है, आइए एक बार इतना 4 इंच तो टायर है, उस पर कटा दो इसका कितना हो गया, खतरनाक हो गया ट्रैक्टर यार, बहुत ही मजा आओ चलाने में। और आइए रे ओ गया भाई मोको, कैसा मजा आया ट्रैक्टर चलाने में, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आयो, तुम चाहे ट्रैक्टर गलत है बाकी फिटिंग आप सभी चेक कर सकते, थोड़ी इसकी लाइन आउट हमने चेक की थी, आगे थोड़े इसके चौड़े हैं पहिए इतने, तो वो भी इसकी सेटिंग कर लेंगे हम, और इसका भी जुगाड़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पर आ जावे इसका भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ करेंगे, इस पाइप का भी हाय हाय क्यों क्या है भाई मेहनत बहुत ही ज्यादा लगी, हम भी नहीं यार मतलब किसी प्रोजेक्ट में इतना लंबा खींचना नहीं चाहते, लेकिन यो ना चाहते भी ज्यादा लंबा खींच गया, चीज बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, टाइम बेसक लगा, मेहनत बेसक लगी, पैसे बेसक लगे, लेकिन वो क्या कौन सा डायलॉग दादा ले पुत्ता परते वो वाला काम हो गया। आप भी बताना आप सभी ने वीडियो पसंद आई होगी,
या चीज भी जो मैंने फ्रंट वाला हिस्सा जो डिसीजन था शायद भाई बढ़िया होगा हमारा। कमेंट में नीचे अपनी राय बता दियो। मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए टाटा बाय बाय।